ओके हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत और आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मूवी आप ये लोग आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है, तो मूवी के एंड तक बने रहना एंड की वॉचिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम केट नाम की एक टीचर को देखते हैं जो स्कूल में एक प्राइमरी टीचर होती है और बच्चों को सिखा रही होती है, कुछ पढ़ा रही होती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि लास्ट बेंच पे एक बैक बेंचर होता है जो एक कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। तभी केट उसको देख लेती है और उससे कहती है कि सारी क्लास को एक कॉमिक पढ़कर सुनाओ। तो वो भी इस चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही होती है, सारे बच्चे उस बच्चे को घेर लेते हैं और कॉमिक को सुन रहे होते हैं। तभी स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाता है और जिससे केट की जो है वाट लग जाती है। वो केट को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे इनडायरेक्टली कहता है कि केट, तुम्हें स्कूल में नहीं होना चाहिए था, तुम तो बहुत ही अच्छे एंटरटेनर हो। वो इनडायरेक्टली इसे स्कूल छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद हम केट के एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है मेक, जो कि एक अनएम्प्लॉयड लेडी थी। वो एक सेलर थी, वो चीज़ों को सेल करती थी अलग अलग कंपनियों में जाकर। लेकिन इस बार वो जिस कंपनी में गई थी उस कंपनी में इसकी इस बार बात नहीं बनी थी और उसको इस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। फिर यहाँ से दोस्तों सीन जो है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केट और मे, ये दोनों सिस्टर्स अपने रूम में आ जाती हैं। ये दोनों ड्रिंक कर रही होती हैं, गाने सुन रही होती हैं और डांस कर रही होती हैं। डांस करने की वजह से ये दोनों सिस्टर्स बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अपने रूम में बैठी होती हैं और बातें कर रही होती हैं कि आज का उनका दिन कैसा गया। केट मे को बताती है कि मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है और मे केट से कहती है कि मेरा आज एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है। तो ऑल इन ऑल इन दोनों का ही दिन आज बहुत ही बुरा गया था। दोनों के इन दिनों को देखते हुए, गलत गंदे दिनों को देखते हुए, तो मैं केट को एडवाइस करती है कि हमें अपना स्ट्रेस रिमूव करने के लिए और अपने एक नई शुरुआत करने के लिए हमें अपना स्ट्रेस रिमूव करना होगा और इसके लिए हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। तब केट उसकी बात पर पहले तो मना करती है, फिर कुछ सोचने के बाद वो राजी हो जाती है। ये दोनों एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि एयरपोर्ट पर इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है कि टिकट लेने वालों की इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है कि एक आदमी का अगले दिन तक भी नंबर नहीं आए। तो जो मे होती है वो वहाँ पर जो टिकट का अकाउंटेंट होता है उसको अपने चक्कर में फंसा लेती है और उससे टिकट ले लेती है। इसके बाद ये दोनों खुशी खुशी अपनी एयर फ्लाइट में आ जाते हैं, पर देखते हैं कि इनके पास एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम दोस्तों रायन था और इसकी सीट इन दोनों सिस्टर्स के बीच में थी और हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था उनके बीच में। और देखते हैं कि रायन जो है वो उन लड़कियों को बताता है कि मैं फ्लोरिडा जा रहा हूँ मेरे दोस्त की शादी में। तब वो सिस्टर्स भी कहती हैं कि हम भी फ्लोरिडा ही जा रहे हैं, तो तुम क्यों ना हमारे साथ साथ चलो। तो ये तीनों अब एक साथ हो जाते हैं। ये तीनों एक होटल रूम में चेक इन करते हैं जहाँ पर इन्हें दिखता है कि जो रायन है वो भी इन्हीं के होटल में आ गया है। और कुछ देर बाद इनको एक न्यूज़ मिलती है जो रायन इन गर्ल्स को देता है कि जो फ्लोरिडा है वहाँ पर एक लॉकडाउन टाइप कुछ लग गया है जिसके कारण 3 दिन के लिए मैं शादी में अभी नहीं जा पाऊँगा और वैसे भी शादी 3 दिन के बाद है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो ये दोनों सिस्टर्स हैं यानी कि केट और मैं, इनको जो रायन नाम का ये नया लड़का आया था ये इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था और दोनों ही इसको अपने चक्कर में फंसाना चाहती थी, ये दोनों ही उसको पसंद करने लगी थी। तो हम देखते हैं कि जो केट होती है वो रायन के साथ मिलने के लिए आती है और जो मैं होती है वो भी जलन के कारण उसे, क्योंकि उसके पास कोई कपड़े नहीं होते हैं, वो एक इंडियन अटायर चूज़ करती है यानी कि एक साड़ी को पहनकर एक उसी बॉल पार्टी में आती है जो उस होटल में थी। ये दोनों उसके साथ बातचीत करती हैं। फिर से इनको वही न्यूज़ चैनल पे पता पड़ती है कि 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग चुका है और उस लॉकडाउन का कारण ये था कि फ्लोरिडा में एक टॉर्नेडो आ रहा है जो कि बहुत ही बड़ा है और वो ज़्यादा ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों उस बॉल पार्टी में अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों पार्टी एंड होती है और हम लोग देखते हैं कि केट और मे में लड़ाई हो रही थी क्योंकि वो दोनों ही रायन को पसंद करती थी। अगले दिन मैं रायन को दिखाती है कि इस जिस होटल में हम लोग रुके हैं वहाँ पर एक शो होने वाला है जो कि एक हॉट एयर बलून शो है। रायन उसको ऑलरेडी उन टिकट्स को दिखा देता है और केट भी खुश हो जाती है ये सब देखकर कि रायन अब मेरे में भी इंटरेस्ट कुछ दिखा रहा है। पर केट जैसे हॉट एयर बलून में जाती है उसको उल्टियाँ लग जाती हैं और रायन उसे संभालता है, पर मे को उससे चिट लग जाती है और मे अगले दिन केट को ताना देती है कि वो सिर्फ मेरा है और तुम उसे फंसा नहीं सकती। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों सिस्टर्स एक तरह से टूट चुकी थी, मतलब कि इन दोनों सिस्टर्स में बिल्कुल भी एकता नहीं थी और ये एक दूसरे की ही जड़ काटना चाहती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि ये तीनों एक टैक्सी बुलाते हैं। अब सवाल होता है कि ये तीनों कहाँ जा रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ ये तीनों जा रहे थे रायन के जो ब्रदर की शादी थी उसके वहाँ पर फ्लोरिडा में ये लोग जा रहे थे। और हम जो इनका टैक्सी ड्राइवर होता है उसको हम देखते हैं, उसका नाम होता है मार्क। और हम देखते हैं कि उसको
मे के अंदर इंटरेस्ट आ रहा था, उसे मे अच्छी लग रही थी, वो अट्रैक्टिव लग रही थी, तो वो उससे कुछ बातें करता है, पर मे गाड़ी से उतरकर चली जाती है। हम देखते हैं कि केट वहाँ पर एक वॉशरूम में जाती है, उसे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आ रही थी, पर मे है जो है वो उस वॉशरूम का बाहर से लॉक लगा देती है, और जो केट है वो उस विंडो से एक विंडो से बाहर आती है, पर वो एक कचरे के ढेर में गिर जाते हैं जिसके कारण उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मे उसे चिंता दिखाता है कि मुझे केट की चिंता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एंड सीन में पता पड़ेगा। केट वहाँ पे पेट्रोल पंप पे अपने कपड़े साफ करती है, खुद को साफ करती है और दूसरे कपड़े चेंज करके कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद केट रायन को बताती है कि उसके नेक में बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नेक को दबाओ जिससे कि वो पेन जो है वो सही हो जाए। मैं ये सब सुन रही होती है, ये सब सुनते सुनते मेरे को बहुत ज़ोर जलन होने लगती है और वो एक बियर में कुछ नींद की नशे की गोलियां डाल देती है जिसको वो केट मना कर देती है, पर उसको मार्क नाम का जो ड्राइवर होता है वो पी लेता है। और मैं अब चिंता में आ जाती है क्योंकि वो एक ड्राइवर था और क्योंकि उसको लगता था कि दारू पीने से उसको ड्राइव नहीं करना चाहिए, पर मार्क उससे कहता है कि मैं एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, तुम चिंता मत करो। ये सब रात होती है, ये सब लोग सो जाते हैं, मार्क भी सोने लगता है क्योंकि उस दवाई का असर उस पर हो रहा था। ये लोग एक बोर्ड को उड़ा देते हैं जिसके कारण तीनों की जो नींद है वो उड़ जाती है। ये तीनों अगले दिन अपने एक होटल में चेक इन करते हैं, होटल के अंदर जाते हैं जहाँ पर मे को और केट को ये सब पता पड़ जाता है कि उस बियर के अंदर मे ने एक गोली डाली थी जो नशे की गोली थी। अगले दिन मे और मार्क ये दोनों एक बार में मिलते हैं, वहाँ पर बातें करते हैं, पर मैं उसे भगा देती है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगले दिन हम देखते हैं जो केट और रायन है वो लोग उसी रात को उसी बार में खड़े थे, बातें कर रहे थे। केट रायन को अपनी सारी दिल की बातें बताती है और हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स होता है उसी रात को। अगले दिन केट मे को उस लास्ट नाइट के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। मे जिससे बहुत ही ज़्यादा जलन मचने लगती है और वो केट को केट से लड़ने लगती है, दोनों लड़ने लगते हैं, तभी वहाँ पर मार्क आकर इन दोनों को जो है रोक लेता है लड़ने से। इन दोनों की फाइट रुकने के बाद मार्क केट और मे को बताता है कि जो रायन नाम का तुम लोगों का बॉयफ्रेंड था ना, जिसको तुम बहुत ही दिनों से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, वो एक धोखेबाज और वो मेरी गाड़ी को लेकर भाग गया है और वो अपने किसी दोस्त की शादी में नहीं गया, वो अपनी खुद की शादी में गया है। अगले दिन केट और मे उसी के घर पर पहुँच जाती हैं जिसकी शादी में वो गया था और वो उसी की शादी थी, वो उसकी वाइफ को सारी बातें बताती हैं। मैं उन दोनों को देखकर रायन उन दोनों को देखकर भागने लगता है और वो दोनों भी उस रायन को पकड़ लेते हैं, उससे सारी बातें कहते हैं कि तुम एक चीटर हो, तुमने मेरे साथ फिजिकल इंटरकोर्स कराया और तो तुम किसी और दूसरे से शादी कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ ही शादी करनी होगी। तब रायन उन दोनों को बताता है कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं था, तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट थे। ऐसी बातें कहकर रायन उनसे पास से चला जाता है और उसकी रायन की जो होने वाली वाइफ थी वो उसे लड़ने लगती है, उसे झगड़ने लगती है और कहती है कि तुम एक चीटर हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है, रायन की भी शादी टूट चुकी थी और ये दोनों बहन फिर से एक हो चुकी थी। केट को अपने स्कूल में फिर से एक प्राइमरी टीचर की नौकरी मिल जाती है। मे की मार्क से रिलेशन हो चुके थे पक्के, ये दोनों बहनें फिर से एक हो चुकी थी। दोस्तों मूवी यहीं पर एंड होती है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।